Kashif Aslam from Kashis, and welcome back to my YouTube channel once again. After a long time, I came here to show you this amazing eye makeup tutorial, and I must say you all are going to like this glamorous Arabic eye makeup tutorial. The main thing which I personally like in this makeup is this beautiful multi-chrome eyeshadow. And I'm so proud to say that Kashis Makeup Castle Pakistan ka wahid cosmetic brand hai jisme eye shades ki sabse badi range aur variety hai and even overall cosmetics mein aur pure Pakistan mein sabse pehle itne khoobsurat multi-chrome eyeshadows introduce kiye hain aur aaj ke is tutorial mein main aapko har product ki detail information aur istemal karna bataunga so keep watching. फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई काशीज परफेक्ट आईब्रो मेकर. और इसकी ख़ास बात यह है कि इसको लगाना बहुत आसान है, बहुत ही आराम से ये लग जाता है और बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल आईब्रोज़ की शेप बन जाती है. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई हैव जस्ट यूज़ काशीज एंगल ब्रश और इसको मैंने थोड़ा सा वेट कर काशीज परफेक्ट आईब्रो मेकर के साथ लगाया है और बहुत ही खूबसूरत इसकी शेप बन चुकी है. एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग काशीज आई शेडो प्राइमर नंबर 02 और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है. इसकी स्पेशलिटी ये है कि बहुत ज़्यादा हाई कवरेज है और दूसरी ये बहुत थिन फिल्म है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब हम आई शेड्स लगाते हैं तो कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बहुत खिलकर आते हैं. After primer, I'm using Kashis Grasson Glamra eyeshadow and its name Golden Era. And to apply this shade, I'm using Kashis Razor Sharp Flat Brush. और आप देख सकते हैं कि इस ब्रश की वजह से आईब्रोज की शेप बहुत अच्छी लग रही है और हाइलाइटर का शेड बहुत ज़्यादा नीट लग रहा है. और इसको लगाने के बाद साथ साथ मैं इसकी एजेस को सॉफ्ट करने के लिए हल्का सा फिंगर से टच करूँगा ताकि कहीं पर भी कोई भी हार्श लाइन ना हो. हाईलाइट करने के बाद काशीज मिरर मैजेस्टी आई शेडो पैलेट इस्तेमाल करूँगा और ये इसका खूबसूरत सा मेटालिक गोल्ड कलर है. इसको हल्का सा ब्रश के साथ वेट करके मैं आईलेट एरिया पर लगाऊंगा इसको. और आप देख सकते हैं कि वेट होकर ये बहुत ही ईजली लग जाता है और बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता. और अगेन इसको ड्राई होने के बाद ये बहुत खूबसूरत लग रहा होता है. उसके बाद काशीज का आई ग्लोइंग शिमर, उसको मैं इनर कॉर्नर साइड पर लगाऊँगा. मोस्टली मेरे अपने तमाम मेकअप में मैं इस शेड को यूज़ कर रहा होता हूँ. इसकी ख़ास बात यह है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइलाइटर एरिया और लिड एरिया पे जो भी कलर लगा हुआ है, इन दोनों कलर को कनेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है. अगेन काशीज मिरर मैजेस्टी पैलेट में यूज़ कर रहा हूँ और इसका बहुत ही खूबसूरत सा कैमल ब्राउन कलर एज अ ट्रांजिशन कलर मैं इसको ले रहा हूँ. और जो मेटालिक गोल्ड कलर और ग्रेसन ग्लैमरा का जो गोल्डन कलर था, उसके इन बिटवीन मैंने इस कलर को लगाया. उसके बाद अगेन इस ब्राउन कलर को लेकर आउटर कॉर्नर साइड पर मैं लगा रहा हूँ इसको. और इसको लगाने के बाद मज़ीद आउटर कॉर्नर को डार्क करने के लिए इंटेंसिव ब्लैक कलर मिलूँगा, क्योंकि ये बेसिकली अरबिक मेकअप ट्यूटोरियल है और उसमें मोस्टली आपने देखा होगा कि उसमें आंखों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया हुआ होता है, उसमें बहुत बढ़ाया हुआ होता है. और लाइनर लगा के मैं इसको स्मज करूँगा. ओवरऑल शेड्स लगाने के बाद जो है मैंने इसको ओवरऑल पूरा ब्लेंड कर दिया है. और उसके बाद इस ओवरऑल पूरे मेकअप का सबसे मेन पार्ट जो है वो स्टार्ट करूँगा. मैं सबसे पहले आई शेडो बेस इस्तेमाल करूँगा और आई शेडो बेस को आईलिड पर लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से, ताकि जो भी मेन जो मल्टी क्रोम कलर है काशीज का गैलेक्सी गार्डन पैराडाइज शेड, दिखने में आपको एक वन कलर नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा तो आप देख सकेंगे कि इसके कितने मल्टीपल कलर्स निकलते हैं इसमें से. जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फोशिया पिंक कलर आ रहा है, साथ साथ इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रासी गोल्ड कलर है और साथ साथ इसमें पैरट ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा होगा. और जैसे जैसे इसकी मूवमेंट होती है उसी तरह से ये पूरा चेंज हो रहा होता है. और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल मेकअप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो चुका है. इसके बाद जेट ब्लैक लिक्विड लाइनर जो है वो लगाऊंगा मैं. और इसको सिर्फ आपने राइट अबव द लैश लाइन आपने एक सिर्फ सिंपल सी लाइन क्रिएट करनी है,
ताकि आपकी लैशेस जो है उसके जो बैन की जो इन बिटवीन स्पेस होती वो नज़र ना आए। के बाद काशीज का जाइंट ब्रश मस्कारा वो मैं यूज़ करूँगा। इसके बाद मुझे क्योंकि लैशेस अप्लाई करनी है ताकि ज़रा सा भी जो फॉल आउट हुआ हुआ है इसकी अपनी मॉडल की ओन लैशेस पर वो नज़र ना आए। वन गो में बस ये काफ़ी होता है इस मस्कारे की एप्लीकेशन। इसके बाद फॉर द लैशेस आई एम यूजिंग काशीज रोज़ा आई लैशेस और बहुत ही खूबसूरत आई लैशेज है। आप देख सकते हैं कि लगते के साथ ही ये बहुत ही आँखें बड़ी स्टैंड आउट और बहुत ही लैशेस जो है एक्स्ट्रा लिफ्ट है जिसकी वजह से बिल्कुल भी आई लैशेज ड्रूपी नहीं लग रही होती। और उसके बाद काशीज का बिग एंड ब्राइट जेल लाइनर लगा रहा हूँ मैं फॉर द वाटर लाइन और बहुत ही खूबसूरत सा ये कलर है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये ओवरऑल बहुत ही ग्लैमरस सा मेकअप हो रहा है। इस लिहाज से बहुत ही अपीलिंग सा बहुत ही अट्रैक्टिव सा ओवरऑल पूरी आइज़ पर लुक आ रहा है। अगेन आई एम यूजिंग काशीज मिरर मैजेस्टी आई शेडो पैलेट और ये बर्गंडी रेड कलर में लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगा और सेम इसी तरह से आपने बैक एंड फोर्थ स्वैप करना है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही वाटर लाइन की वजह से और लोअर लैश पर जो शेड लगा हुआ है इसकी वजह से एक बहुत ही ड्रामेटिक सा लुक आ रहा है। इसको थोड़ा सा सॉफ्टन करने के लिए मैं अगेन कैमल कलर यूज़ कर रहा हूँ मैट और इसके साथ जो है मैं इसको इसके जो हार्श एजेस हैं वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आ जाएगी। अगेन आई एम यूजिंग काशीज लोअर आई लैशेज और इसका मेन रीज़न ये है कि आंखों को मज़ीद मुझे ओपन दिखाना है। और आप देख सकते हैं कि ये लोअर लैश लगने के बाद ओवरऑल मेकअप में एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन आ चुकी है। और उसके बाद अगेन काशीज आई ग्लोइंग शिमर लास्ट में मैं लगाऊंगा ताकि इनर कॉर्नर को मज़ीद पॉप और मज़ीद अट्रैक्टिव दिखा सकूं। और आप देख सकते हैं कि इनर कॉर्नर पर मज़ीद जो है एक बहुत ही खूबसूरत से एक अपीलिंग इफेक्ट आ चुका है एंड दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट। So this is the end result, so glamorous but with very less effort. I hope you enjoyed this video. Let me know in the comment section if you did enjoy. Thank you so much for all your love, support that you always give me and see you in my next video. Bye guys.